नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्धाभ्यास जिसका कि ये पहला संस्करण है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑसी इंडेक्स, बी मालाबार, सी ऑस्ट्रा हिंद अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ऑस्ट्रा हिंद इसका नाम है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 बीते 28 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। 10 दिन तक चलने वाला इस युद्धाभ्यास का ये पहला ही संस्करण है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना और एक दूसरे के सैन्य कौशल को सीखना है। ये एक वार्षिक अभ्यास होगा जिसे दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इस बार इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों की टुकड़ियां भाग लेंगी। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत ने साल 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर के लिए अब्देह फतेह अल सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र, बी यूएई, सी ओमान अथवा ऑप्शन डी इराक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। साल 2023 में भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देह फतेह अल सिसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अक्टूबर 2022 में मिस्र के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की ये 75वीं वर्षगांठ भी होगी। इसके अलावा G20 की वर्ष 2022-23 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने मिस्र को यानी इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मणिपुर का मोइरांग नामक जगह सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए मुस्लिम लीग का गठन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अथवा ऑप्शन डी आजाद हिंद फौज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आजाद हिंद फौज के किसी घटना से संबंधित है। किस घटना से संबंधित है इसके लिए चलिए देख लेते हैं व्याख्या को। सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के मोइरांग नामक जगह पर आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ के रूप में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोइरांग मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आजाद हिंद फौज स्मारक और संग्रहालय है। इस स्मारक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी लगी है। ये स्मारक और संग्रहालय मूल रूप से सिंगापुर में निर्मित INA युद्ध स्मारक की एक मॉडल कॉपी है, नकल है। मोइरांग पर ही आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से ब्रिटिश आर्मी को उस वक्त हरा दिया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में पनामा में हुए साइट्स यानी CITES की COP19 की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को साइट्स के परिशिष्ट 1 से निकालकर परिशिष्ट 2 में शामिल कर दिया गया है। दूसरा, लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को लेकर मौजूदा जो प्रस्ताव है इसे भारत ने पेश किया था। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 स्टेटमेंट 2 सत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल को साइट्स के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। ये भारत का प्रस्ताव है जो कि COP19 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। यह बैठक 14 से 25 नवंबर 2022 तक पनामा में आयोजित की गई थी। लीथ एक नर्म खोल वाला कछुआ है जो ताजे पानी वाले जलाशयों और नदियों में पाया जाता है। इस कछुए के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था। साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल होने से इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार
रोका जा सकेगा। साइट्स वन्यजीव और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है। हालांकि लीथ सॉफ्टशेल कछुए की प्रजाति भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में भी सूचीबद्ध है, जो इसे शिकार के साथ साथ अवैध व्यापार पर भी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन फिर भी इनकी अवैध तस्करी रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में पीटी उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय तीरंदाजी संघ, बी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, सी भारतीय ओलंपिक संघ अथवा ऑप्शन डी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। व्याख्या देख लेते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुन ली गई हैं। दिसंबर में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में वे एकमात्र उम्मीदवार थीं। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्षों के इतिहास में पीटी उषा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुँचने वाली पहली ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं। इससे पहले इस वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके पांच में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो धेआईएस के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।